अभी देश के अंदर अगर आप लेंगे तो 35.22 लाख कारीगर है, 26.74 लाख बुनकर है, 8.48 लाख संबंधित पुरुष, महिलाओं की संख्या भी लगभग 72% है, जेंडर की संख्या ट्रांसजेंडर की संख्या 9494 है, फुल टाइम वर्कर लगभग 17.89 लाख है, पार्ट टाइम वर्कर 17.33 लाख है, अनुसूचित जाति कामगारों की संख्या 4,84,184 है, 14%, अनुसूचित जातियों की संख्या है 19%, 6,28,768, पिछड़ा वर्ग कामगारों की संख्या है 12,67,308, 33%, अन्य कामगारों की संख्या है 11,42,292%। महोदय, बुनकर आयोग बनाने का मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई योजना नहीं है। उसका कारण है महोदय कि सरकार विभाग सारे काम वो कर रहे हैं बुनकर के संरक्षण के लिए, बुनकर के वित्तीय पोषण के लिए, बुनकर के जीवन यापन के लिए। और एक बार महोदय अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बना था, वो एडवाइजरी के रूप में था, लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड भी महोदय 2 साल के लिए केवल बना था, और उसके बाद ये 2020 में इसकी उपयोगिता नहीं साबित होने पर ये भी उसको हटा दिया गया। तो मैं समझता हूँ जब सरकार बुनकरों के लिए सारी चीजें कर रही है, चाहे उनके जीवन यापन अपग्रेडेशन सेट बनाने का काम, चाहे उनके अन्य चीजों का, उनके मार्केटिंग का, उनके डिजाइनिंग का, तो ऐसी स्थिति में महोदय मैं निवेदन करूंगा कि बुनकर आयोग के बदले सरकार को जब आपका जो भी सलाह होगा मान्य वो मानते रहेंगे। हम बुनकरों के लिए ही काम कर रहे हैं।